अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, हम लोग जा रहे हैं सरप्राइज़ देने के लिए, तो आप भी देखें कैसा रहा ये हमारा सरप्राइज़। और बस अब हम लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं और बस बल्कि पहुँच चुके हैं। तो हमारी फ़्लाइट जो थी वो 2.5 आवर्स जो है वो लेट हो चुकी हुई थी, और वो वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों को पता चला। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पे लॉन्च में वेट कर रहे थे कि हमारी फ़्लाइट आए और हम लोग जा सकें। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत और फादर का फासला आ रहा है। हम इंशाल्लाह 1 घंटा 30 मिनट में कराची पहुँचेंगे। बरए मेहरबानी अपनी फादर की बनवान लें, नशीद की कुछ स्थिति रखें, खाने की मेज़ बंद कर दें और खिड़की के पर्दे खुले रखें। एनी हाउ, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ना पीआईए के बारे में बैड रिव्यूज़ सुने हुए थे। तो एनी हाउ बहुत स्मूथ लैंडिंग थी और बहुत बहुत अच्छा रहा, एटलीस्ट मेरा तो बहुत अच्छा रहा, हम सबका। और डेफिनेटली इन्होंने खाना भी बहुत अच्छा दिया था और बहुत मज़े का था और वेल ऑर्गेनाइज था। क्योंकि कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि पीआईए की फ़्लाइट में रबिश फेंका हुआ था और वह सब कुछ था। बहरहाल हमारे साथ ऐसा कोई भी ट्रेजेडी नहीं हुई, बल्कि वो साथ साथ ही मतलब कि बिन कर रही होती थी हमसे लेकर, एयर होस्टेस जो थी। तो बस हम हमने कर चुके चले। कौन ठहरे अभी, उसको सरप्राइज देने की जल्दी पड़ी हुई है। वेट, कितने मज़े की ठंडी हवा चल रही है ना भाई, मुझे तो उसका रिएक्शन मैंने शूट कर दिया। बेटा उसका रिएक्शन देख ले। ये वाला सैनिटाइजर से करता है बहुत प्यारा है, आपको देख के लवली स्टाइल मोशन। She want to check it out के है कौन आखिर आधी रात को आने वाला है, कौन है जो पार पार होते जा रहे हैं। 7, 8, 9, 9 भाई पहले आप जाइएगा, सुभान इधर आओ, इधर आओ आप, अभी इधर आप, इधर आए अभी आप, इधर आओ। दिखाओ बच्चों के नाल बोलना पड़ा है, बेटा जरूरी है क्योंकि ना मैं पंजाबी।
आनी चाहिए थी पता आनी चाहिए थी कोई बोल नहीं नहीं मेरे नाल चला बोलिए की बोलिए और बस अब हम ये बच्चों को जरा बाहर लेके गए थे और ये देखें कराची में कितना कूड़ा है इस साइड पर और मैं कूड़े को शूट कर रही थी कि देखें हमारा पंजाब कितना साफ है। खैर अब तो पंजाब का भी बुरा हाल होता जा रहा है, क्या किया जा सकता है, वी कैन जस्ट प्रे। और देखे कितना गंदा है ना, कितना मेस किया हुआ है, कबूतर है कितने ज्यादा। मम्मी आपको कराची में हर जगह ही दिखे, पहले तो नहीं दिखे कभी कबूतर, हां जी अगो दसना जरा कूड़े की वजह से। बस आ लेफ्ट अंदर मॉल के अंदर पार्किंग चले जा। मॉल किथे है? हां पार है ये बात मॉल हैं, ये तो बिल्डिंग बन रही है। किथे आ आगे आ जाएगा यानी आप मॉल ही आप किथे आ ये तो बिल्डिंग किथे आ जाओ राइट हैंड पे मैं को देखे राइट हैंड पे आ बस आ गया आगे और पेट्रोल पंप रोज पेट्रोल के अपने वो करा दिया इतनी अच्छी लैपटॉप है प्रमोशन। ओ सॉरी वो देखो गाड़ी कर दीजिएगा प्लीज। या मास मास दोर बे दोर बे मास मासक हियर इट इज लालो ओके या पर वॉइस म्यूट करना भूलिएगा ना नहीं कर भी लेंगे और बस ये हम लोग लकी वन मॉल एंटर हो रहे हैं। खैर बहुत मज़ा आया था, बहुत इंजॉय किया था और हम साथ साथ अपनी गप्पे मार रहे थे और इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ वो भी चना चाहिए दो बार तीनों एक जैसी चीज़ें लग रही थी, उन्होंने तीनों के ऊपर ही पापड़ी डाल दी हुई थी। तो बहरहाल मज़ा आया खाने का और यहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे थे। बचपन कितना प्यारा होता है ना। और इधर दुआ जो है वो उसकी वो बार बार लूज कर रही थी, तो उसने क्या कर रही थी कि ये जो बॉल है जो भी चीज़ है ना इसको खा के क्या कर रही थी कि वो सुबह की साइड पर फेंक जाती थी। वो कहती थी नहीं तुम भी अब आ गए हो गया अचीव करना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने कोई हेल्प कराया जो आप कैसा लग रहा है तो बस हमारा मकसद पूरा हुआ। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।